दोस्तों आप लोगों के सामने एकदम से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आएंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, दो अंक वाली हो या तीन अंक वाली, दोस्तों वो भी हम सेकंडों में निकालेंगे, बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। यहाँ पर देखिए आपकी दो अंक वाली भी है और तीन अंक वाली भी है दोस्तों, सिर्फ दो अंक वाली नहीं तीन अंक वाली भी सीखेंगे कैसे हम निकालते हैं। अगर आपको तरीका मालूम हो गया सिर्फ दो अंक वाले दोस्तों तो सब आप निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आपको 23 का वर्ग निकालना है, कैसे निकालेंगे, एक काम कीजिए इसको दो भाग में बांट दीजिए, दो और तीन के, अब आपको मालूम है दो और तीन का वर्ग, इसीलिए इसको दो भाग में बांट दिया हूं, जो आपको मालूम है जिसका वर्ग उसका निकालना आपको आसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, दो लाइन इस तरीके से ड्रा करेंगे, क्लियर रखना। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग करके यहाँ पे लिखेंगे 3 × 9 इस साइड का, और इसका वर्ग करके यहाँ पे लिखेंगे 2 × 4, और हमेशा जो आपकी दाई साइड की गिनती है दोस्तों उसका वर्ग करके उसको दो नंबर में तब्दील कर दीजिएगा इस तरीके से, क्लियर रखना। हमेशा इसको करने की जरूरत नहीं दोस्तों, इसको हमेशा दो अंक में बन गया तो कोई बात नहीं है, तीन अंक में बन गया तो भी कोई बात नहीं है, अगर एक अंक में है तो उसको दो अंक में बदल दीजिएगा। अब क्या करेंगे कि दो और तीन का आपस में गुणा करेंगे और फिर इसका इस वर्ग में गुणा कर देंगे, यानी कि 3 × 6 आएगा और 6 × 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 को कैसे लिखेंगे दोस्तों, इस 9 यानी एक अंक को इधर से दाएं साइड से छोड़ करके इस तरीके से 12 लिखेंगे और उसके बाद दोनों को ऐड कर लेंगे, जो आएगा दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट गिनती दिख रही है आपका नंबर, तो उसको भी कर लेंगे सेम ऐसे ही करेंगे, अब तो आपको तरीका मालूम हो गया, दो भागों में हमने बांट दिया। अब क्या करेंगे, दो लाइन ड्रा कर लेंगे, ये आपका हो गया 9 × 81, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 9 × 81, और इसका वर्ग 8 × 64। यहाँ पे देखिए दो नंबर बन गया है, हमें दो नंबर बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे दो नंबर बन गया, अब कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है, फिर इसका इसमें गुणा कर देना है, 9 × 72 × 144, मैंने कहा कि एक नंबर यहाँ से छोड़ करके लिखेंगे 144 ऐसे, ठीक है, एक को ऐसे ही लिख देंगे, और ये 8 × 4 = 12, 4 × 4 = 8 = 9, 6 = 7, जो आएगा दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिएगा, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब इधर चलते हैं 3 नंबर की तरफ, इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, एकदम सेम यही काम करना है, उसमें कैसे करना है, इस देखिए जो नंबर आपका दिख रहा है इसको ऐसे दो भागों में बांटिए जिसका आपको वर्ग निकालना आसान है। अगर आप एक को इधर कर देते 26 को इधर कर देते तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, निकल जाएगा वो भी, फिर इस 26 को इस प्रोसेस से निकालेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो हमें इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसी में करेंगे। तो कैसे करेंगे, अगर हम ऐसे बांट देते हैं 12 और 6 को तो आसान हो जाएगा, क्योंकि 12 का निकालना आसान है, आपको मालूम है, इसी तरीके से दो लाइन आप ड्रा कर दीजिए, 12 × 8 इसका इधर कीजिए, 12 × 8 = 144, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 × 4 को 36 इसका कर दीजिए, हो गया, बस वही काम फिर कर दीजिए, 12 × 6 = 72 और इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 72 × 144, कैसे लिखना है इस तरीके से, बाकी सबको ऐड कर लीजिए, 4 × 3 = 7, 4 × 4 = 8, 4 × 1 = 5, 1 दोस्तों 15876 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।